रवि शास्त्री, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कोच। उनकी कोचिंग का कार्यकाल पिछले साल T20 विश्व कप के बाद समाप्त हो गया था। भारतीय टीम के मुख्य कोच के तौर पर उनका कार्यकाल साल 2014 से लेकर 2021 के बीच का रहा। हालांकि इस दौरान एक साल के लिए अनिल कुंबले टीम के मुख्य कोच भी बने थे। रवि शास्त्री के कार्यकाल में भारतीय टीम ने कई ऊंचाइयां हासिल की, मलाल बस कोई ICC ट्रॉफी के नहीं जीत पाने का रहा। रवि शास्त्री अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं, वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। इस बार उन्होंने ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही हैं। शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम की यादगार जीत को लेकर कहा है कि उन्होंने इस टूर पर खिलाड़ियों को आक्रामक रवैया अपनाने की सलाह दी थी। शास्त्री ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही थी। शास्त्री ने इंटरव्यू में कहा, आपको आक्रामक एटीट्यूड रखना होगा, खासकर जब ऑस्ट्रेलियाई टीम का सामना कर रहे हों। मैंने लड़कों से कहा कि अगर आपको एक गाली दी जाती है तो आप उन्हें 3 वापस दें, 2 हमारी भाषा में और 1 उनकी भाषा में। इंटरव्यू में शास्त्री ने बताया कि उनके पास कोई कोचिंग डिग्री नहीं थी। भारत में उनसे जलने वालों का एक गुट था जो उन्हें सफल नहीं होने देना चाहता था, लेकिन वे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। शास्त्री ने कहा, मेरे पास कोई कोचिंग डिग्री नहीं थी। लेवल 1 लेवल 2, भारत जैसे देश में हमेशा आपसे जलने वाले लोगों का गुट होता है जो चाहते हैं आप सफल ना हो। मेरी चमड़ी मोटी है, आप जिस ड्यू गेंद का इस्तेमाल करते हैं उससे भी ज्यादा मोटी। बता दें कि रवि शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय टीम का आखिरी ऑस्ट्रेलियाई दौरा बेहद ही यादगार रहा। एडिलेड में 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद टीम ने जबरदस्त वापसी की। भारत ने मेलबर्न और गाबा में शानदार जीत हासिल की। टीम ने टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीता था। कई क्रिकेट एक्सपर्ट इसे टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन सीरीज भी मानते हैं। शास्त्री ने साथ ही इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के नए क्रिकेट निदेशक रॉबर्ट की को सलाह दी। रॉबर्ट ने कुछ दिन पहले ही एशले जाइल्स का स्थान लिया, वो इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं। शास्त्री ने रॉबर्ट को सलाह देते हुए कहा, रॉबर्ट को भी मोटी चमड़ी विकसित करने की जरूरत है। रॉब को इसे विकसित करना होगा क्योंकि हर दिन आपको आंका जाता है। मुझे खुशी है कि केंट में उनके पास कप्तानी का काफी अनुभव है, इसका फायदा उन्हें मिलेगा। शास्त्री ने जिस आक्रामकता की बात की वो उनके कार्यकाल के दौरान दिखा। उनके कार्यकाल में भारत 14 में से 10 टेस्ट सीरीज जीतकर रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा। शास्त्री की कोचिंग में भारतीय टीम ने भले ही कोई ICC टूर्नामेंट ना जीता हो, लेकिन टीम का प्रदर्शन आला दर्जे का रहा। रवि शास्त्री के रहते भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 2 बार टेस्ट सीरीज में हराया। टीम इंडिया पहली बार हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भी पहुंची। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी रविराज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान, ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।